वेलकम टू एंग्री कोडर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम उबंटू या लिनक्स में यूज़र नेम, होस्ट नेम, प्रॉम्प्ट नेम और होम नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये तीन ऊपर यूज़र नेम, होस्ट नेम, प्रॉम्प्ट नेम तो हम उबंटू के अंदर ही ऑन होते ही हम इसको चेंज कर लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें उबंटू को ऑफ करना होगा। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है वी कैन चेंज इट फ्राम हेयर, वी कैन डू इट फ्राम द उबंटू रिकवरी यूजिंग रूट। हम रूट रिकवरी में जाएंगे, वहाँ से हम रूट के ज़रिए इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हम यूज़र नेम कैसे चेंज करें। उसके लिए आप सेटिंग में जाएं और यहाँ से यूज़र में जाएं, यूज़र में जाएं, इसको आप एंग्री कोडर्स नेम मैंने लिखा हुआ यूज़र नेम, इसको आप एंग्री कर दें, आप जो भी आपका नेम है आप करना चाहते हैं। सबसे पहले अनलॉक करना होगा इसको, हमें 1 2 3 करते हैं और इसको अनलॉक करते हैं। मेरा पासवर्ड 1 2 3 आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। और हम आप देख लेते हैं कि हमारा नेम चेंज हो गया है, विंडो वाली करते हैं। यहाँ पे हमारा नेम नहीं आ रहा, इसको हम दोबारा देख लेते हैं सेव हुआ है कि नहीं हुआ। ये अब सेव हो गया, अब करते हैं इनवाइल करते हैं, ये हमारा नेम आ गया, ये हमारा नेम आ गया। अब इसको ऑन करते हैं। उसके बाद हम होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं। होस्ट नेम क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं होस्ट नेम, इसको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और इसको हम दूसरी जगह से भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम करते हैं डेस्कटॉप को मिटा देते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। इसको कर लेते हैं सब्सक्राइब माय चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है सब्सक्रिप्शन की, इस चैनल को सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, लाइक और सब्सक्रिप्शन की। रीनेम करें और ये नेम चेंज हो चुका है। हम चेक करते हैं, ये देखें ये आ गया। उसके बाद इसको हम क्रॉस करते हैं और इसमें जाएं आप, ये अभी ये पुराना आ रहा है क्योंकि पहले से ओपन है, इसको दोबारा ओपन करते हैं। और अब हम ये चेंज करेंगे, इसको करते हैं प्रॉम्प्ट नेम। प्रॉम्प्ट नेम हम कैसे चेंज करेंगे, आप यहाँ से ये कॉपी करें, हमें इस फाइल में जाना है और इसको यहाँ पे पेस्ट करें। हम जी एडिट से नहीं, जी एडिट से भी कर सकते हैं, नैनो से करते हैं, एक ही बात है, हम नैनो से भी कर सकते हैं, जी एडिट से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो पासवर्ड मांग रहे हैं पासवर्ड देते हैं इसको, ये ओपन हो चुका है। और उसके बाद आप नीचे जाएं जहाँ पे यूज़र UNH लिखा होगा वहाँ तक आपने रुक जाना है। उसके बाद इसकी कंडीशन तो जहाँ पे लगी हुई है इस पे आपने जाना है। और ये होस्ट नेम आ रहा है जो हम चेंज कर चुके हैं, अभी हमने यूज़र नेम चेंज करना है। यूज़र नेम चेंज करने के लिए सबसे पहले आप ये ब्रैकेट रिमूव करते हैं, उसके बाद आप ये देख के कीजिएगा, ये आप ख़राब ना कर देना, ये फ़ाइल आपको दोबारा नहीं मिलेगी। आप या तो इसका बैकअप कर लें पहले, अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आप पहले बैकअप कर लें, बैकअप का नहीं पता तो आप वो गूगल पे देख लें बैकअप कैसे करना है। आप cp कमांड लिख के इसको कहीं भी अभी बैकअप कर सकते हैं। और उसके बाद या वीडियो मेरी देख रहे हैं तो अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं बाद में। इसको हम कुछ भी कर देते हैं, हम इसको हम एंग्री कर देते हैं, जैसे हमने यूज़र नेम चेंज किया था एंग्री, हम इसको भी एंग्री कर देते हैं। और यहाँ से कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं हमारा प्रॉम्प्ट नेम चेंज हो चुका होगा, ये हमारा प्रॉम्प्ट नेम चेंज हो चुका है। अगर मैं इसको दोबारा यू कर देता हूँ, यू इसको मैं कर देता हूँ, ये मैंने यू किया, दोबारा कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा से टर्मिनल ओपन करते हैं नेहा और एंग्री कोडर वापस आ गया। अब हम देख लेते हैं होम नेम हम कैसे चेंज करें। ये हमारा होम नेम है,
जैसे अभी ये चेंज शायद आपने देखा हो, ये चेंज हमारा नहीं हुआ था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, जैसे हमने इधर एंग्री लिखा था, कंट्रोल एस करते हैं, ये हमारा चेंज नहीं हुआ। कंट्रोल एस करें, जैसे होम नेम कर लें आप, जैसे आप कंट्रोल आल्ट टी करें, पी डब्ल्यू डी करें, ये हमारा होम नेम आ रहा है एंग्री बर्ड, इसको हमने चेंज करना है। ये चेंज करने के लिए आपको रिकवरी में जाना होगा उबंटू की, और उसको हम ऑफ कर लेते हैं, सब चीज़ें बंद करते हैं, क्लोज टर्मिनल करते हैं। पहले उसको वापस लेके आ जाना, यूज़र नेम एंड होस्ट को डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ले आना। ये मैंने साइट भी ओपन करके रखी हुई है, हमने ये कमांड यूज़ करनी है। यह भी मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में यह लिंक शेयर कर दूंगा। इसको क्रॉस करें यहाँ से और कंट्रोल आर टी करें, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, वीडियो को यहाँ से करते हैं स्टॉप। इसके बाद आप एरो की करें नीचे, और यहाँ पर आप एडवांस ऑप्शन में जाएं। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद रिकवरी मोड में जाएं, रिकवरी मोड में आप रूट में जाएं, रूट में जाने के बाद एंटर करें, और इधर आप कैट etc पास wd लिखें, आपके पास डिटेल आ जाएगी। मैंने इसका नाम चेंज किया था अभी टेस्ट करने के लिए, मैं दोबारा नाम इसको वापस ले आता हूँ पहले। मैंने इसका नाम न्यू कर दिया, पहले इसका एंग्री कोडर था, और दोबारा से मैं इसको दोबारा वापस लेके आता हूँ यूज़र मोड डैश एल। यहाँ आप जो नाम देना चाहते हैं वो लिखेंगे, जैसे मैं दोबारा एंग्री कोडर्स वापस लेके आना चाहता हूँ, और यहाँ पे जो मैंने नाम चेंज नाम था मेरा वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट कमांड लिखनी है। अब हमारा नाम चेंज हो चुका है एंग्री कोडर्स के नाम से, तो हमें अब यूज़र मोड जैसे यहाँ पर अभी देखें एंग्री कोडर्स आ रहे हैं ये लास्ट लाइन पे। इसके बाद आप लिखें यूज़र मोड डैश एम डैश टी होम, और यहाँ पर आप जो नाम देना चाहते हैं एंग्री कोडर्स देना चाहते हैं, और नाम हमने एंग्री कोड न्यूज़ के साथ एंग्री कोडर्स हमने चेंज कर दिया, हम दोबारा आप इधर एंग्री कोडर्स देंगे। दोबारा चेक करते हैं ये कमांड, अब यहाँ पर देखें होम के बाद एंग्री कोडर्स आ गया है। अब जो होम से पीछे है वो न्यू आ रहा है, उसका भी हम आखिरी कमांड से कर लेते हैं। यूज़र मोड डैश सी, यहाँ पे लिखें एंग्री कोडर्स और न्यू, नहीं एंग्री कोडर्स हमने न्यू हमने वो चेंज कर दिया था इसके साथ एंग्री कोडर्स। अब ये हमारा वापस एंग्री कोडर्स आ चुका है, हम इसको सारा रिप्लेस करते हैं एंग्री के साथ। सबसे पहली कमांड क्या थी, यूज़र मोड डैश एल, और यहाँ पर हम करते हैं, अगर हमें खाली होम का चेंज करना है तो हम खाली होम का भी कर सकते हैं, जैसे डैश एम डैश डी। अभी एंग्री कोडर्स है हमारा नाम,
यहाँ पर हम देते हैं होम, यहाँ पर एंग्री दे देते हैं, एंग्री के साथ हमने चेंज करना है एंग्री कोडर्स को। अब हमारा ये चेंज हो चुका होगा, होम के बाद एंग्री आ रहा है। अब हमें होम से जो पीछे आ रहा है वो हमें चेंज करना है। उसके लिए आप यूज़र मोड डैश सी कमांड है, जो भी हम नाम देना चाहते हैं, मैं एंग्री देना चाहता हूँ एंग्री, और हमने चेंज करना है एंग्री कोडर्स के साथ। हमारा आखिरी रह गया है एंग्री कोडर्स। अगर हम इस कमांड को पहले कर लेते हैं डैश एल एंग्री के साथ, अगर इस कमांड को हम पहले कर लेते तो हमें सारा फिर एंग्री के साथ चेंज करना होता। एंग्री कोडर्स, अभी हमारा सारा नाम चेंज हो चुका है, सारा हमारा एंग्री हो चुका है। ये होम से पीछे है, इसका नाम हम न्यू कर देते हैं ताकि हम इसको स्टार्ट करें हमें सही पता चले इसका। उसके लिए यूज़र मोड डैश सी और इसको हम कर देते हैं न्यू। एंग्री है इस बार, एंग्री कोडर्स नहीं है, तो ये हमारा चेंज हो चुका है। तो देखें आखिरी आखिरी लाइन देखें, अब हमारा वहाँ पे न्यू आ चुका है। इसको हम रिबूट करते हैं, हमारा पीछे क्या आ रहा था नाम न्यू आ रहा है। देखें यहाँ पे हमारा यूज़र नेम हो चुका है न्यू। कंट्रोल ऑल टी करते हैं और जहाँ पर पी डब्ल्यू डी लिखते हैं यहाँ पर हमारा नाम देखें एंग्री हो चुका है, और जो हमारा प्रॉम्प्ट नेम है वो भी एंग्री हो चुका है। जो हमारा यूज़र नेम है वो न्यू हो चुका है, वो हम यहाँ से भी अब चेंज कर सकते हैं। मैंने इतनी डिटेल में इसलिए बताया है ताकि आपको सही इसकी समझ लग जाए, बाकी आप खुद करेंगे तो आपको इसकी समझ लग जाएगी। यह हमने एंग्री कर दिया, अब हम चेक करते हैं इसको। यह हमारा एंग्री हो चुका है। वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।